हेलो गाइस, आई एम केवन चकमा फ्रॉम मिजोरम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग चकमा जो होता है वो खेती कैसे करते हैं और क्या क्या खेती करते हैं। अभी मैं आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं हूँ कल्टिवेशन में। आप लोग के लिए होता है वो, पहले भी एक वीडियो बनाया मैंने, उस वक्त ये धान बांध नहीं था, उस टाइम ये धान लगा नहीं था। ये जो सीन है आप लोग देख सकते हो, ये सारा जंगल ही जंगल है। आप लोगों का जो खेती होता है वो मुझे मालूम है, आप लोग कैसे खेती करते हो, जो हम लोग खेती करते हो, लेकिन वो आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का जो खेती है वो हर साल का सकते हैं आप लोग, मतलब सालों साल। और जो हम लोगों का खेती है वो हम लोग सिर्फ एक साल का सकते, मतलब 6 महीने का सकते हैं। 6 महीने में पहले एक जंगल को काटेंगे, उसके बाद जलाएंगे, जलाने के बाद धान को लगाएंगे, उसके बाद धान आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर गांव में चलने का। टेम्पररी बसेरा बसाना होता है इधर, ये है टेम्पररी बसेरा, ये मामा का घर है मेरा, और उधर जो है वो मेरा जीजा का है। बहुत तकलीफ़ होता है इसे, मतलब गांव से बहुत दूर दूर जाके, मतलब आसपास भी कोई ऐसा जंगल अच्छी जंगल मिलता नहीं है, मतलब एक साल खाने के बाद वो फसल अच्छा नहीं रहता, इसी कारण छोड़ देना होता है। सब पहाड़ी है इधर, अब लोग का जो कहते होते वो तो प्लेन होता है, इधर प्लेन प्लेन कोई कल्टिवेशन नहीं होता है। और जो इधर जो खेती करता है, मैंने भी किया खेती जब मैं छोटा था, लेकिन अभी मैं खेती करना पसंद नहीं करता। जो इधर खेती होता है उसमें से धान, ये रहा धान, और क्या होता है धान के बीच में क्या क्या आता है, ये आता है धान के बीच में। इसको मान लो कि महीने में 6 महीने छः महीने में आप पूरा धान को, मतलब पूरा तैयार हो जाएगा, मतलब 6 महीने में आप फिर से गाँव जा सकते हो, 6 महीने में आपका खेती ख़त्म हो जाएगा। ये जो होता है ये 6 महीने कम से कम आपको 2-3 या 4 बार इसको आप तलवार से काटना पड़ेगा, पूरा ऐसे सीन काटना पड़ेगा। लेकिन बहुत काम करते हैं जो किसान होता है, जो काम करता है सुबह उठते हैं 4 बजे या 4:30 बजे और लगभग 4 से 7-10 बजे 6 बजे या 5 बजे या 6 बजे काम पे जाता है, और लगभग 10 बजे काम से आता है, और उधर खाना पकाने काम से आने के बाद खाना पकाएंगे 12, मान लो कि 11 या 12 बजे खाना खाते हैं, और क्या करते हैं 1 या 2 बजे फिर काम में वापस जाते हैं दोपहर में, फिर शाम को 5 या 6 बजे काम से वापस लौटते हैं, और वापस लौटने के बाद क्या करेंगे, उसका जो बर्तन टुकड़ा ऐसा होता है वो अच्छे से, मतलब नदी में जाकर पानी लेके आएंगे, उसके बाद फिर से खाना बनाएंगे। 7-8 बजे पूरा उनका खाना रेडी हो जाता है, उसके बाद खाना खाएंगे वो लोग, खाना खाने के बाद फिर सो जाएंगे, और शाम होने के बाद फिर उठेंगे। ऐसा होता है दिल्ली लाइफ हमारा चकमा का। अभी मैं थोड़ा मेरे जीजा के घर में घूमने आ गया कल, मतलब जूम में जो कल्टिवेशन होता है वो हम लोग चकमा से जूम बोलते हैं। ये जो जूम है ये मेरे मामा का है, मेरा चौथेला मामा तो नहीं लेकिन रिश्तेदार होता है। हम लोगों का चकमा बहुत दूर दूर से रिश्तेदार है, मतलब हमारा चकमा जो रिश्ते है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप जिधर भी जाओ फिर भी हमारा चकमा, मान लो कि मैं अभी मिजोरम में हूँ,
मान लो कि और दिल्ली में कोई चाकमा है, मैं उधर जाके अब अगर मैं उनके साथ परिचय देऊंगा तो वो भी मेरे रिलेटिव हो जाएंगे। हम लोग का चाकमा कभी ख़त्म नहीं होता है रिलेशन। यहाँ से जो सीन देख रहे हैं ना, अगर मेरे पास ड्रोन ड्रोन कैमरा होता ना, अगर लैपटॉप वगैरह कुछ कैमरा होता, ड्रोन तो जो थोड़ा भी छोटा कैमरा होता ना, जो गोप्रो होता है बोलता है, ऐसा भी होता मेरे लिए बहुत सही रहता। ये जो वीडियो बनाता हूँ मेरे मोबाइल से बनाता हूँ, मेरे मोबाइल उतना अच्छे भी नहीं है, छोटा है मोबाइल, क्या करो, फिर भी आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ ये वीडियो हमारे जगह के बारे में दिखाने के लिए। अगर सच में आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करना कि इस वीडियो कैसा लगता है, कैसा वीडियो चाहिए आप लोगों को, आप लोग तो कमेंट भी बताओ मुझे। अभी शाम हो रही है, सूरज डूब चुका है, लगभग 7:30 बज चुका है। इधर सूरज डूब जाता है 6 बजे, और सुबह सूरज निकल आता है 5:30 या 6 बजे। और जो इधर जो साकमा है, साकमा जो हम लोग गांव में रहते हैं, वो मान लो कि लगभग मैं तो 7 बजे उठता हूँ, कोई कई कई 5:30 या 6 बजे तक सो जाता है, और कई कई जो जिसके पास खेती वगैरह है वो तो खेती के काम में जाने के लिए 4 बजे 7:30 बजे उठेंगे, उठ जाएंगे, और जो जिसके पास काम दाम नहीं है वो 5:30 या 6 बजे तक सो जाएंगे, 6 बजे पे उठेंगे, और जिसके पास तो मतलब ऐसे खेती वाले है वो तो जल्दी उठना पड़ेगा उनको। जो भी इधर जो हम लोग जंगल में रहते हैं, जंगल इधर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, उस दीपांशु भाई का नोमैडिक इंडियन वीडियो में, तो आप लोग उधर उधर से मेरा नंबर निकाल के देख सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और आप लोग जो इधर आओगे उसके लिए आप थोड़ा थोड़ी सी प्रॉब्लम ना ले, क्योंकि आप लोग जब आओगे मैं आपको पूरा अच्छी खासी से देखभाल करूँगा, अच्छे से घुमाऊँगा, रो एंड ऑथेंटिक आपको मतलब मैं हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है हमारा चाकमा का टेम्प्रारी हाउस, 6 महीने के लिए इधर बसेरा बसाते हैं, उसके बाद ये छोड़ देते हैं। मतलब हर साल आप खेती करोगे तो 6 महीने के लिए आपको एक टेम्प्रारी बसेरा बसाना होगा, उसके बाद ये 6 महीने के बाद छोड़ देना होता है। तो मैं घूम घूम के मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, अगर वीडियो पसंद आता है, मतलब म्यूजिक व्यूजिक इतना एडिट विदिट कुछ कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मोबाइल से उतना हो नहीं पाता, इसी कारण आप लोग को मतलब सच में पसंद आ जाते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।